हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूँ फिर से एक बढ़िया और बेहतरीन शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उसका नाम है गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी में अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 840 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये कंपनी एक ओशियन रिसर्च वेसल बनाएगी इस ऑर्डर में। चलिए आगे बताता हूँ आपको। अब मैं बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक सरकारी कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ये कंपनी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शिप्स बनाने का काम करती है। इस कंपनी के 3 शिपयार्ड है इंडिया में और ये अभी तक 100 से ज्यादा वारशिप बनाकर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को दे चुकी है। ये शिप्स बनाकर एक्सपोर्ट भी करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। चलिए आगे बताता हूँ। एक साल पहले इसका शेयर 461 का था और अब 774 का है। 2 महीने पहले इस कंपनी ने लंदन में यूके की मैरीटाइम सर्विसेज कंपनी लॉयड के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में ये कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल कैरियर बनाकर देगी उस यूके की कंपनी को। चलिए आगे बताता हूँ। इसका मार्केट कैप 8,925 करोड़, पीई रेशियो 35.05, आरओई 16.14% और डेब्ट टू इक्विटी 0.22 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर हरि आर हैं और ये कंपनी 1984 में बनी थी। इस कंपनी में एफआईएस भी लगातार अब हर क्वार्टर में अपना हिस्सा बढ़ाते आ रहे हैं। पिछले साल सितंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक इसमें 1.95% था और अब सितंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक हर क्वार्टर में बढ़ते हुए 3.34% हो गया है। आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 74.50%, रिटेल का 16.89%, म्यूचुअल फंड का 5.25%, एफआईएस का 3.34% और डीआईएस का 0.02% स्टेक है। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए मैं आप सबके सामने इस शेयर को लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके। और ये जो वीडियो है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। और आप किसी शेयर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। चलिए, मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन शेयर लेकर। धन्यवाद।